दूसरी जानेब टिकट की तकसीम के मामले पर जाले भी आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने नाराज जाले रहनुमाओं को मनाने के लिए मसालती मिशन जारी कर दिया है। जैकबाबाद के बाद मसालती टीम PS 18 से उम्मीदवार जा मेहताब के घर घुटकी पहुंच गई है। तफसीला जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है। अशद बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध में टिकटों की तकसीम पर जाले आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी ने नाराज जाले रहनुमाओं को मनाने के लिए मसालती मिशन जो है वो शुरू कर रखा है। पीपल्स पार्टी की मसालती टीम PS 18 से उम्मीदवार है जाम मेहताब डैर उनके घर पहुंची। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी 2018 में PTI के टिकट पर कामयाब होने वाले शहरियार शर को जो है वो टिकट देना चाहती है। 2018 में शहरियार शर ने जाम मेहताब डैर को शिकस्त दी थी। जो इसी हवाले से उनका ये भी कहना है कि पार्टी के फैसले का जो है वो एहतराम करते हैं। वक्त ने जो है वो वक्त का कहना था जाम मेहताब डैर को जब उनके घर पे पहुंचे कि आप पार्टी क्यादत के फैसलों का एहतराम करें और उनके जो जो फैसले किए जा रहे हैं उसके ऊपर मनोवन अमल करें। जैकबाबाद में PS 3 पर नाराज जाले रहनुमा मुमताज जकरानी का भी जो है वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान किया गया उनकी जानिब से। रात गए मुराद अली शाह की जेर क्यादत मसालती कमेटी मुमताज जकरानी को राजी करने उनके रिहाइश का पहुंची थी। इस पर उनका यह कहना था कि मैं हल्के से 2 मरतबा जीत चुका हूँ। पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो UC भी हार गया था। खैरपुर से PS 31 सिंगरी के निशिस्त पर मंजूर वसान बच्चल जो है वो आमने सामने है। इसी तरह कराची में भी पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ निशिस्तों पर उम्मीदवार तब्दील करने का फैसला जो है उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया है। PS 93 कोरंगी से उम्मीदवार तब्दील किए जाने का इम्कान है। इसी तरीके से PS 121 गरबी के निशिस्त पर भी उम्मीदवार तब्दील किए जाने का इम्कान है। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, निसार कोड़ो की सरबराही में अलग अलग मसालती कमेटियां नाराज जाले रहनुमाओं को मना रही है। जी ठीक है, अब देखना ही होगा कि मनाने में कामयाब हो पाती भी हैं कमेटियां या नहीं। अशद, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।